पाकिस्तानी मारूफ मेज़ निदा यासिन ने शोबिज़ इंडस्ट्री से मुतालिक एक अहम इनकशाफ किया है। हाल ही में निदा यासिन ने एक निजी टीवी शो में बतौर मेहमान शिरकत की और मुतअद्दिद दिलचस्प मौजूआत पर गुफ्तगू की। निदा यासिन ने इनकशाफ किया है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जो निकाह कर चुके हैं या शादीशुदा हैं, मगर वो ये राज बताते नहीं हैं, मुझे भी ये बताने से मना कर देते हैं। निदा यासिन ने कहा कि शादीशुदा जोड़े मेरे शो में आते हैं तो मुझे पहले ही ऐसे सवाल कर देने से मना कर देते हैं जिनसे उनका राज फाश हो सके। निदा यासिन ने कहा इन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे राज मालूम हैं जो किसी सहाफ़ी के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका सारा बचपन ही इस इंडस्ट्री में गुजरा है। निदा यासिन ने अपने मॉर्निंग शो में वायरल सेंसेशन टिकटॉकर आयशा को मधु करने से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि आयशा को बुलाने पर उन पर काफ़ी तनकीद हुई थी। वो पढ़े लिखे लोगों को भी बुलाती हैं मगर वो शो कोई नहीं देखता, उन पर रेटिंग भी नहीं आती जो वायरल लड़कियों को बुलाने पर आती है। उन्होंने कहा कि मैंने एक शो में 8-8 बासलाहियत और मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों को भी मधु किया है मगर उन शोज़ को कोई देखता ही नहीं है। टीवी वही दिखाता है जो आवाम देखना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिन ब दिन वायरल होती सियासी शख्सियत अख्तर लावा से मुतल्लिक कहा कि अब लोगों की डिमांड है कि अख्तर लावा को बुलाएं, वो अख्तर लावा को जानती तक नहीं है।